सोलन के कंडाघाट के कैथली घाट में एक गाड़ी के खाई में गिरने का मामला सामने आया है। मामला कल देर रात का है, जिसमें एक गाड़ी 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल है। बता दें कि गाड़ी में सवार दोनों लोग किन्नौर के रिकानपियो मोहन नेगी और संदीप रहने वाले हैं, जिनमें मोहन नेगी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और संदीप को IGMC शिमला भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शोर सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कंडाघाट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वाहन से दो लोगों को बाहर निकाला। इनमें से मोहन निवासी किन्नौर की मौत हो गई, जबकि संदीप निवासी किन्नौर को कंडाघाट अस्पताल से उपचार देने के बाद IGMC शिमला के लिए रेफर कर दिया गया। DSP ट्रैफिक इंचार्ज अनिल वर्मा ने मामले के बारे में बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि देर रात गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। निकली रात समय करीब 10:30 बजे थाना कंडाघाट के कैथली घाट के पास एक एंड कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से करीब 100 फुट नीचे गिर गई, जिसमें दो यात्री सवार थे और इसमें मोहन नेगी की हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई है और संदीप नेगी जो उसके साथ उस गाड़ी में सवार था वह IGMC में उपचाराधीन है, उसका इलाज चल रहा हुआ है। इस संबंध में थाना कंडाघाट में FIR पंजीकृत की गई है, जिसका अन्वेषण किया जा रहा है।